बुद्धि और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार, नव वर्ष पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, तेज ठंड और नई उमंगों के साथ में नए वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। नए वर्ष पर हर वर्ग और हर वर्ग के लोगों में बदलाव की उम्मीद की जाती है। अगर हम बात करें कृषि की तो 2022 काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन सरकार की चल रही योजनाओं से किसानों को काफ़ी आर्थिक संबल मिला। इसी के चलते सरकारें आने वाले समय में किसानों और खेती पर फोकस करेंगी और किसानों की आय दुगनी करने के लिए नई नई योजनाएं भी चलाएंगी। इसके लिए 2022 में कुछ अहम फैसले भी लिए गए थे, लेकिन अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में किसानों के लिए ये कितनी कारगर साबित होंगी। साथियों, नव वर्ष के संकल्प में आपके लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन इससे पहले देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खेत खलियानों की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। बूंदी की मेज नदी पर प्रदेश का पहला सोलर लिफ्ट प्लांट, राजस्थान के कृषि विभाग द्वारा प्रदेश भर में लगाई गई प्रदर्शनियां, प्याज भंडारण गृह बने किसानों के लिए वरदान, भरतपुर में कृषि आदान विक्रेताओं का तकनीकी प्रशिक्षण आरम्भ और कुम्हेर में मोटे अनाज पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। बूंदी जिले के झालाजी का बराना में मेज नदी पर प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का काम आखिरकार पूरा होने जा रहा है। बूंदी जिले की सबसे लंबी मेज नदी, जिसका जल सूरज की ऊर्जा और बूंदी की उपजाऊ जमीन तीनों की ताकत जब एक हो जाएगी, तब 17 गांव की 25,000 बीघा भूमि लहलहा उठेगी। बूंदी के झालाजी का बराना से 4 किलोमीटर दूर मेज नदी पर प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का काम आखिरकार पूरा होने जा रहा है। नए साल में 52 करोड़ रुपए की परियोजना से दो पंचायतों के 17 गांवों को पानी मिलने लगेगा। 7,50,00,000 रुपए हर साल किसान डीजल पर खर्च कर देते हैं। अब राहत की खबर यह है कि परियोजना से सिंचाई के लिए किसानों को निशुल्क पानी दिया जाएगा। वहीं सिंचाई विभाग 8 माह तक डिस्कॉम को बिजली का उत्पादन कर लाइट बेच सकेगा। यह राजस्थान की पहली ऐसी परियोजना है जहां नदी से सोलर सिस्टम द्वारा किसानों को पानी मिलेगा और बिजली का उत्पादन होगा। पानी लिफ्टिंग के लिए 522 सौर ऊर्जा की प्लेटें लगेंगी। 167 किलोवाट के दो सोलर प्लांट बनाए गए हैं। बिजली विभाग को 8 करोड़ रुपए जमा करा दिए गए हैं। पोल भी लग गए हैं। नदी के पास ही 33 केवी GSS बनेगा। यहां से दोनों पंचायतों में 11-11 केवी की अलग से लाइन बिछेगी। जैसे ही कनेक्शन होगा, नए साल पर टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। राजस्थान के विभिन्न जिलों में कृषि विभाग की ओर से प्रदर्शनी लगाई जा रही है, जिसमें किसानों को कृषि और इससे जुड़ी हुई विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। कृषि आयुक्त कानाराम ने बताया कि राजस्थान कृषि विभाग द्वारा सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। इन कृषि प्रदर्शनियों में किसानों को विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। अब तक इन फोटो प्रदर्शनियों का प्रदेश भर में लगभग 1,40,000 से अधिक किसानों द्वारा अवलोकन किया गया है, साथ ही योजनाओं की जानकारी ली गई है। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनियों में किसानों के लिए विशेष रूप से बायो पेस्टिसाइड, जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट और मृदा स्वास्थ्य की जानकारी के साथ साथ मौके पर मिट्टी, पानी की जांच लैब भी प्रदर्शित की गई। प्रदर्शनी में विभिन्न जिलों से आए प्रगतिशील किसानों द्वारा लगाए गए उत्पाद भी प्रदर्शित किए गए हैं, जिनमें जालौर से बेनाराम द्वारा लाए जैविक अनार, गंगानगर के किसान ओम प्रकाश के अंजीर के उत्पाद, सीकर के राजकुमार शर्मा की मशरूम, कोटा के किसान नरेंद्र द्वारा लाए गए सरसों और अजवाइन का जैविक शहद,
कोटपुतली से आए कृषक कैलाश चंद के उपज आंवला और एलोवेरा के उत्पादों में आगंतुकों ने खास रुचि दिखाई। उन्होंने बताया कि जैविक खेती और नवाचार के लिए राजस्थान के सांभर उपखंड के रहने वाले कृषक गंगाराम सेपट ने दूसरे किसानों को भी प्रेरित किया है। प्याज भंडार गृह के लिए मिलने वाले अनुदान के नियमों में छूट के बाद किसानों को राहत मिली है। अब किसान प्याज भंडार गृह बनाकर प्याज को सड़ने से बचा रहे हैं। उद्यान विभाग के सहायक निदेशक शीशराम झाखड़ ने बताया कि पहले प्याज भंडारण के लिए अनुदान देने के नियम कड़े होने के कारण आवेदन निरस्त हो जाते थे, इसलिए कई किसान इसका लाभ नहीं उठा पाते थे। लेकिन नियमों में छूट मिलने के बाद अब कई किसान प्याज भंडारण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्याज भंडारण गृह के लिए पहले किसान के पास 10 बीघा जमीन अनिवार्य थी, साथ ही 3 साल से लगातार प्याज की खेती कर रहे किसानों को ही अनुदान मिलता था। अब केवल 5 बीघा जमीन पर ही प्याज भंडारण की अनुमति मिल रही है, साथ ही 3 साल से लगातार प्याज की खेती का नियम भी हटा दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्याज भंडारण गृह के लिए टैन और बांस का हवादार ढांचा तैयार किया जाता है। यह सीमेंट कंक्रीट के 44 पिलरों पर खड़ा होता है। अंदर डबल स्टोरी का ढांचा होता है। इसमें 3 से 6 महीने प्याज का भंडारण किया जा सकता है। इसमें प्याज खराब नहीं होता और अच्छे भाव मिल जाते हैं। उन्होंने बताया कि प्याज भंडार गृह के निर्माण में करीब 2.25 लाख रुपए का खर्चा आता है। इस पर 87,500 रुपये सब्सिडी किसान को मिलती है। एक बार निर्माण के बाद करीब 25 साल तक इसे काम में लिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि झुंझुनू जिले में 800 किसानों ने प्याज भंडार गृह बना रखे हैं। मैनेज हैदराबाद द्वारा कार्यालय परियोजना निदेशक आत्मा भरतपुर के माध्यम से कृषि आदान विक्रेताओं के लिए 48 सप्ताह का तकनीकी प्रशिक्षण शुरू किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम को देशराज सिंह अतिरिक्त निदेशक कृषि संभाग भरतपुर ने संबोधित किया। उन्होंने सभी कृषि आदान विक्रेताओं से अपील की कि वर्तमान में खेती नुकसान का सौदा साबित हो रही है, ऐसी स्थिति में खेती को लाभकारी बनाने में कृषि आदान विक्रेताओं का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। इसके लिए आदान विक्रेताओं को खाद बीज और कीटनाशक दवाइयां बिक्री करते समय किसानों को सही और तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी तो किसान बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों और आदान विक्रेताओं का चोली दामन का साथ होता है। किसान आदान विक्रेताओं पर पूरा भरोसा करते हुए खाद बीज और कीटनाशक दवाइयां खरीदता है, इसलिए अनावश्यक आदान की बिक्री नहीं की जानी चाहिए। इससे खेती की लागत बढ़ती है और कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है। योगेश कुमार शर्मा परियोजना निदेशक आत्मा भरतपुर ने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पौध संरक्षण, रसायनों, यंत्रों, खरपतवार नाशक दवाओं, उर्वरकों और बीजों के बारे में कक्षा में और फील्ड में व्यवहारिक जानकारी दी जाएगी। कृषि महाविद्यालय कुम्हेर में मोटे अनाज की आवश्यकता और महत्व विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों और विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है, इसलिए ये अनाज चर्चा में है। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज जैसे बाजरा, मक्का, जवार, रागी, सावा आदि की खेती करना आसान है। ये पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण सुपर फूड कहलाते हैं। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज की खेती करने के अनेक लाभ है, जैसे सूखा सहन करने की क्षमता, फसल पकने की कम अवधि, खाद और उर्वरकों की न्यूनतम मांग के कारण कम लागत, कीट और बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता, कम पानी, बंजर भूमि और विपरीत मौसम में भी ये अनाज उगाए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान में मोटे अनाज प्राचीन काल से प्राकृतिक रूप से उगाए जाते हैं। इन अनाजों में कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, लोहा, कैरोटीन, फोलिक एसिड, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इनके उच्च पोषक मूल्य के कारण ये प्राकृतिक सुपर फूड की श्रेणी में आते हैं, किंतु आधुनिक खेती से आए तमाम बदलावों के कारण हम गेहूं और चावल पर ज़्यादा निर्भर हो गए हैं।
गेहूं और चावल का पोषक मूल्य मोटे अनाजों से कम है और इनकी लागत पानी, खाद और उर्वरकों की आवश्यकता 4 से 5 गुना अधिक है। इसलिए हमें हमारे देशी अनाज, जिन्हें मोटे अनाज और सुपर फूड के रूप में जाना जाता है, की खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। किसान भाइयों, खबरें खेती की मैं आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम में फिर से आप सभी का स्वागत है। साथियों, वर्ष 2023 अनाज पोषक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ऐसे में सरकारें मोटे अनाज, प्राकृतिक खेती, ग्रीन एनर्जी और कम लागत से किसान भाई किस प्रकार से अधिक मुनाफा कमाएं, इस पर फोकस करेगी। लेकिन किसान साथियों, हम भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप नए साल पर ये संकल्प लें कि खेती में नई नई तकनीकें अपनाकर आप अपना उत्पादन बढ़ाएंगे, कृषि में जो लागत अधिक आ रही है उसको कम करेंगे, जिसके चलते आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा और आपका जीवन भी अच्छा बीतेगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ में हम शुरुआत करेंगे नव वर्ष में। नव संकल्पों पर आधारित हमारा ये कार्यक्रम, तो चलिए देखते हैं। नव कृषि नव संकल्प 2023 का पहला कार्यक्रम। नव कृषि नव संकल्प, नव उम्मीद, नव जागरण। वर्ष 2023 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव कृषि नव संकल्प से याद आया, खेती किसानी में भी सब कुछ नया हो। किसान संकल्पित होकर लाभकारी खेती की तरफ बढ़े। 2023 का संकल्प हो कि अब हमारे किसान मुनाफे की खेती करें, अर्थात लाभकारी खेती करें। किसान भाइयों, सबसे पहला संकल्प होना चाहिए समग्र कृषि प्रबंधन का। किसान समग्र कृषि प्रबंधन के साथ अपने तौर तरीके भी बदले। परंपरागत खेती के साथ साथ किसान लाभकारी खेती करें, किसान वाणिज्यिक खेती करें, यह सबसे बड़ा संकल्प होगा वर्ष 2023 में। समग्र कृषि प्रबंधन अर्थात किसान परंपरागत खेती के साथ साथ वो सारी इकाइयां लगाए जिससे उसकी साल भर आमदनी बनी रहे। समग्र कृषि प्रबंधन का तात्पर्य है किसान अपने खेत पर बकरी पालन करे, मुर्गी पालन करे, मछली पालन करे, डेयरी की इकाई लगाए, गाय पाले, भैंस पाले और साथ ही साथ जैविक इकाई के साथ नए नए कृषि यंत्रों का सहारा लेकर खेती किसानी करे। इसका तात्पर्य है कि यदि किसान को किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई हमारी समग्र कृषि प्रबंधन इकाइयां कर सकती है। इसीलिए किसान भाइयों,
हमारा पहला संकल्प वर्ष 2023 में समग्र कृषि प्रबंधन का होना चाहिए। किसान भाइयों, एक और संकल्प महत्वपूर्ण, खेती किसानी के साथ साथ अब नजर बाजार पर भी। विपणन आधारित खेती हमारा संकल्प हो, बाजार आधारित खेती हमारा संकल्प हो। किसान भाइयों, हमारे किसान केवल खेत ही खेत पर जुटे रहते हैं, बाजार से उनका कोई बहुत ज्यादा सरोकार नहीं होता। इसलिए 2023 में आप सब संकल्प लें कि हमें बाजार आधारित खेती करनी है। बाजार आधारित खेती के लिए भारत सरकार की एक योजना है, ई नाम योजना, यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, राष्ट्रीय कृषि ई बाजार। किसान भाइयों, अब हम बाजार की खबरों से स्वयं को अपडेट रखें। बाजार में क्या मूल्य चल रहा है फसलों का, उसके बारे में हम हमारा ध्यान रखें। हम मंडियों के हालचाल जानें और साथ ही हम मंडियों के अनुरूप अपनी फसलों को बेचें। कहाँ अच्छे भाव मिल रहे हैं वहां हम हमारी फसलों को बेचें। इसे कहते हैं बाजार अर्थात विपणन आधारित खेती। किसान भाइयों, वर्तमान युग स्मार्ट फार्मिंग का है, सूचना संचार तकनीक का है। इसलिए हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वे संचार प्रौद्योगिकी का सहारा लेकर खेती किसानी करें। आज का किसान लैपटॉप लेकर खेत पर जाता है, वहां बैठकर मंडियों की हलचल से स्वयं को रूबरू करवाता है। ये स्मार्ट फार्मिंग नहीं है तो क्या है? किसान कॉल सेंटर की बात हो, संचार प्रौद्योगिकी से जुड़े विभिन्न प्रकार के ऐप की बात हो, मौसम की एडवाइजरी लेनी हो तो ऐप के सहारे की बात हो, यह सब कुछ स्मार्ट फार्मिंग में आता है। किसान भाइयों, फोन पर सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं, अतः आपका संकल्प हो 2023 में कि हम स्मार्ट फार्मिंग करें, अब हम आधुनिक खेती करें, यह हमारा 2023 का एक और कृषि संकल्प होना चाहिए। किसान भाइयों, परंपरागत खेती के साथ साथ बागवानी की तरफ आना जरूरी है। यदि हमें मुनाफे की खेती करनी है तो हमें बागवानी को अपनाना पड़ेगा। बागवानी अर्थात फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, ग्रीन हाउस और शेडनेट हाउस लगाकर आधुनिक खेती, मल्चिंग से खेती और साथ ही लो टनल से खेती, ये सब कुछ आधुनिक खेती का रास्ता है। हमें 2023 में आधुनिक खेती के रास्ते पर भी आना होगा और हमें धीरे धीरे हमें विकसित कृषि की धारा से रूबरू होना होगा। किसान भाइयों, कृषि में एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है और वो है पशुपालन। आज किसान की आमदनी को बढ़ाने में पशुपालन महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रहा है। तो 2023 में हमारा एक और कृषि संकल्प होना चाहिए, डेयरी और पशुपालन। आज देखते ही देखते हमारे लाखों युवा किसान खेती से जुड़ रहे हैं और विशेषकर डेयरी और पशुपालन से जुड़ रहे हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं। तो एक और कृषि संकल्प होना चाहिए, डेयरी और पशुपालन। किसान भाइयों, धीरे धीरे अभियांत्रिकी का दौर आ चुका है। कृषि में पहले के जमाने के कृषि उपकरणों के स्थान पर आधुनिक उपकरणों का स्थान आ गया है। अब हमारे किसान जो काम घंटों में करते थे वो मिनटों में कर लेते हैं। इन आधुनिक यंत्रों की सहायता से तो कृषि यंत्रीकरण आज की आवश्यकता है और कृषि में नए नए यंत्रों का सहारा लेकर खेती करना भी एक महत्वपूर्ण कृषि संकल्प होगा।
तो आपने देखा धीरे धीरे इन सारे कृषि माध्यमों को अपनाते हुए आप खेती किसानी को समृद्ध कर सकते हैं और रच सकते हैं नया इतिहास। साथियों, ये आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमेशा आपको खेती एवं खुदी से जुड़े हुए विषयों पर जानकारी देते हैं और हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम आपको समसामयिक जानकारियाँ प्रदान करें। साथियों, इन दिनों प्रदेश में कोहरा छाया हुआ है और तेज ठंड के चलते फसलों को कोहरे से नुकसान होने की संभावना बनी हुई है, तो ऐसे में आप अपनी फसलों को कोहरे से बचाएं। साथ ही हमारे वो किसान भाई जो दुधारू पशुओं को पालते हैं, वो भी इस समय इनको ठंड से बचाने के उपाय करें। साथियों, इस कार्यक्रम से जुड़ी हुए आपस कुछ सुझाव हैं तो आप हमें इस पते पर लिख भेजें। इसके लिए हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर, राजस्थान। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आप हमें आगे दीजिए। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत।